हेलो एवरीवन, एजुकेशन 24/7 चैनल पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोग जो ज्योग्राफी की वर्ल्ड मैपिंग की सीरीज थी उसके तीसरे लेक्चर को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोग दक्षिण अमेरिका के जो इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं उसके बारे में देखेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि दक्षिण अमेरिका में नदियों का एक विशाल जाल फैला हुआ है, तो उनको एक साथ पढ़ना काफ़ी कठिन काम है। इसलिए हम नदियों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेते हैं जिससे उन्हें पढ़ना आसान हो। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि कोई भी वस्तु हो, वह एक ऊंचे स्थान से नीचे स्थान की तरफ गिरती हैं। उसी प्रकार नदियां भी हैं। नदियां ऊंचे स्थान से नीचे निकलकर नीचे स्थान पर एक विशाल जल ग्रहण क्षेत्र या मैदान का निर्माण करती हैं। उसी प्रकार दक्षिण अमेरिका के एक विशाल क्षेत्र में ऊंचे या उच्च भूमि पर्वत पठार स्थित हैं और उन्हीं के माध्यम से नदियां निकलकर एक विशाल मैदान का निर्माण करती हैं। तो दक्षिण अमेरिका के नदी तंत्र को हम लोग मुख्यतः तीन भागों में करके देखते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं दक्षिण अमेरिका के जो दक्षिण पूर्वी हिस्से में है उस नदी अपवाह तंत्र को, जिसे हम पराना पराग्वे अपवाह तंत्र के नाम से जानते हैं। पराना पराग्वे अपवाह तंत्र। फ्रेंड्स, दूसरा अपवाह तंत्र एक विशाल नदी है जो कि ब्राज़ील के एक विशाल हिस्से में बहती है, जिसे हम अमेज़न के नाम से जानते हैं। अतः दूसरा हो गया अमेज़न अपवाह तंत्र। फ्रेंड्स, तीसरे पार्ट में हम लोग उन नदियों को रखेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो उन्हें हम अन्य की श्रेणी में रखते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पराना पराग्वे अपवाह तंत्र के बारे में। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे पराग्वे नदी के बारे में। फ्रेंड्स, हम सभी लोग जानते हैं कि दक्षिण अमेरिका के विशाल क्षेत्र में उच्च भूमि स्थित है, तो पराग्वे नदी दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील के पश्चिमी हिस्से और बोलीविया के पूर्वी हिस्से पर एक विशाल और इम्पॉर्टेंट पठार स्थित है, जिसे हम लोग माटो ग्रासो का पठार बोलते हैं। फ्रेंड्स, पराग्वे नदी इसी माटो ग्रासो के पठार से निकलकर बोलीविया के पूर्वी सीमा के समानांतर चलते हुए पराग्वे और ब्राज़ील नदी के साथ सीमा बनाते हुए पराग्वे की राजधानी असनस्यान के पास आती है। फ्रेंड्स, इसी असनस्यान के पास बोलीविया के पठार से एक और इम्पॉर्टेंट नदी निकलती है, जिसे हम लोग बोलते हैं पिल्कोमेयो नाम की एक इम्पॉर्टेंट नदी निकलती है, जो कि बोलीविया के पठार से निकलती है। बोलीविया के पठार से पिल्कोमेयो नदी निकलकर यहाँ पर बोलीविया के दक्षिणी हिस्से में प्रवेश करते समय पराग्वे नदी और अर्जेंटीना के साथ सीमा बनाती है। सीमा बनाते हुए यह पराग्वे की राजधानी असनस्यान के पास आकर मिल जाती है और पुनः पराग्वे तथा अर्जेंटीना के साथ सीमा बनाते हुए अर्जेंटीना में प्रवेश करती है। और जब ये दोनों नदियां आपस में मिल जाती हैं तो इसे हम रियो डी ला प्लाटा के नाम से जानते हैं। यही रियो डी प्लाटा आगे बढ़ के यहाँ उरुग्वे और अर्जेंटीना के एक सकरे क्षेत्र में आकर गिर जाती है, जिसे हम रियो डी ला प्लाटा बेसिन के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ रियो डी प्लाटा का सामान्य अर्थ है, फ्रेंड्स रियो का अर्थ होता है, रियो का अर्थ यहाँ पर होता है नदी, रियो का अर्थ है नदी और प्लाटा का अर्थ है चांदी, अर्थात चांदी की नदी। फ्रेंड्स, रियो डी प्लाटा का यूज़ जो है वो पराना और पराग्वे नदियों के जो संगम है
उसको रियो डी ब्लाटा के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, एक और इम्पॉर्टेंट नदी है पराना, जो कि यहाँ पर जो पराग्वे नदी से मिलने के बाद रियो डी प्लाटा कहलाती है, उसके लोकेशन को हम लोग देख लेते हैं। फ्रेंड्स, पराना नदी ब्राजील के दक्षिण पूर्वी हिस्से, जो कि पर्वती और उच्च भूमियों से घिरे हुए हैं, उनसे निकलती है। फ्रेंड्स, हम लोगों ने जब पर्वतों को देखा तो हम लोगों ने यहाँ देखा था कि यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी जिसे हम सियेरा डी क्वेरा के नाम से जानते हैं और यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी जिसे हम सियेरा डी मार के नाम से जानते हैं और एक यहाँ पर पर्वत श्रेणी है जिसे हम गोयास पर्वत के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, इसी गोयास पर्वत पर ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया स्थित है। फ्रेंड्स, इन्हीं तीन पर्वत श्रेणियों से एक छोटे छोटे अपवाह तंत्र निकलते हैं जो आपस में मिलकर पराना नदी का निर्माण करते हैं। फ्रेंड्स, यही पराना नदी निकलकर मकर रेखा को क्रॉस करते हुए परागवे के साथ एक सीमा का निर्धारण करती है और पुनः आगे बढ़कर अर्जेंटीना और पराग्वे के साथ सीमा निर्धारण करते हुए पराग्वे के दक्षिणी छोर पर आकर मिल जाती है। फ्रेंड्स, इसी पराना नदी पर दो इम्पोर्टेंट जलप्रपात मौजूद हैं। फ्रेंड्स, वे दोनों जलप्रपात कर मकर रेखा के दक्षिण में स्थित है। पहला जो जलप्रपात है वह मकर रेखा के बिल्कुल समीप स्थित है, जो कि ब्राज़ील और पराग्वे के मध्य सीमा का निर्माण करती है, जिसे हम गोएरा का जलप्रपात बोलते हैं, गोएरा जलप्रपात। फ्रेंड्स, यह गोएरा जलप्रपात पराना नदी पर स्थित है और यह पराग्वे और ब्राज़ील के सीमा के मध्य स्थित है। वहीं एक दूसरा जलप्रपात है जो कि पराग्वे, अर्जेंटीना और ब्राज़ील के मध्य एक छोटी सी सीमा का निर्धारण करती है, जिसे हम गोई आकू जलप्रपात बोलते हैं। फ्रेंड्स, यह गोई आकू जलप्रपात ब्राज़ील, पराग्वे और अर्जेंटीना के मध्य एक सीमा का निर्धारण करती है। फ्रेंड्स, यहाँ एक और इम्पोर्टेंट नदी है, उरुग्वे नदी। फ्रेंड्स, उरुग्वे नदी सियेरा डी क्वेरा पर्वत श्रेणी से निकलकर ब्राज़ील के सियेरा डी क्वेरा पर्वत श्रेणी से निकलकर पराना नदी के समानांतर चलते हुए अर्जेंटीना में प्रवेश करती है और लगभग एक दूसरे के समानांतर चलते हुए यह रियो डी प्लाटा में मिल जाती है। फ्रेंड्स, रियो डी प्लाटा अपवाह तंत्र जहाँ पर मिलती है वहाँ दक्षिण अमेरिका के दो इम्पोर्टेंट कैपिटल्स भी पाए जाते हैं, जो कि उनके तट पर स्थित है। यहाँ यह उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो और अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स, ये दोनों राजधानियाँ पराना पराग्वे के बिल्कुल तटीय सीमा के मध्य स्थित है, जहाँ पे नदियाँ आपस में मिलकर अटलांटिक महासागर में गिरती हैं। फ्रेंड्स, हम लोग देख लेते हैं दक्षिण अमेरिका के एक और इम्पॉर्टेंट अपवाह तंत्र, जिसे हम अमेजन बेसिन अपवाह तंत्र बोलते हैं। फ्रेंड्स, दक्षिण अमेरिका में अमेजन बेसिन अपवाह तंत्र विश्व के सबसे बड़े अपवाह तंत्रों में से एक है। अमेजन नदी विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है और जल ग्रहण यानी आयतन के मामले में यह विश्व की पहली सबसे बड़ी नदी है। लंबाई के मामले में दूसरी सबसे बड़ी, पहली सबसे लंबी नदी नील है, जो कि साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। वही अमेजन विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है और जल ग्रहण के क्षेत्र में पहली सबसे बड़ी नदी है। फ्रेंड्स,
अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका में भूमध्य रेखा के दक्षिण में लगभग उसके समानांतर बहती हुई इसका मुहाना भूमध्य रेखा के पास खुलता है। फ्रेंड्स, पश्चिम से पूर्व तक भूमध्य अमेजन नदी की लगभग लंबाई 6,450 किलोमीटर औसतन मापी गई है। फ्रेंड्स, अमेजन नदी की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अमेजन नदी लगभग सभी जगह से काफ़ी चौड़ी है, इसलिए अमेजन नदी पर पुलों का पुल बनाना काफ़ी कठिन है, इसलिए यहाँ पर पुल का अभाव देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट रिवर्स भी होती हैं जो कि अमेजन नदी में आकर मिलती हैं और एक विशाल जल ग्रहण क्षेत्र का निर्माण करती हैं। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका का लगभग 40% अपवाह तंत्र का हिस्सा रखता है, यानी 40% अपवाह तंत्र अमेजन नदी के अंतर्गत आता है। फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है कि अमेजन नदी में लगभग 1,000 छोटी बड़ी नदियां आकर आपस में मिलती हैं। फ्रेंड्स, अमेजन नदी के कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज यानी सहायक नदियां हैं, हम उसके बारे में भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अमेजन नदी की एक महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट नदी है जिसे हम फुतुमेयो के नाम से जानते हैं। फुतुमेयो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह कोलंबिया में जो एंडीज पर्वतमाला की तीन श्रृंखलाएं हैं, यहाँ पर कार्डिलेरा ओरिएंटल से निकलती है और यह फुतुमेयो नदी लगभग तीन देशों यानी इक्वेडोर, पेरू और ब्राजील के साथ फ्रेंड्स, अब हम लोग देख लेते हैं अमेजन बेसिन अपवाह तंत्र के बारे में। फ्रेंड्स, अमेजन बेसिन अपवाह तंत्र विश्व के सबसे बड़े अपवाह तंत्रों में से एक है। अमेजन नदी विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है और पहली विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जो कि दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। फ्रेंड्स, अपवाह क्षेत्र यानी जल ग्रहण के क्षेत्र की बात की जाए तो अमेजन बेसिन पूरे दक्षिण अमेरिका का लगभग 40% जल ग्रहण क्षेत्र कवर करता है, और जल ग्रहण के क्षेत्र की बात की जाए तो अमेजन बेसिन विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी जल ग्रहण के क्षेत्र के मामले में है। फ्रेंड्स, अमेजन नदी पेरू से निकलकर भूमध्य रेखा को नहीं काटती किंतु उसके लगभग समानांतर चलते हुए अटलांटिक महासागर के पास भूमध्य रेखा के समीप एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। फ्रेंड्स, यहाँ अमेजन नदी पर एक महत्वपूर्ण बंदरगाह स्थित है जो कि अमेजन नदी के मुख्य तट से लगभग 1600 किलोमीटर स्थित है। फ्रेंड्स, अमेजन नदी की चौड़ाई ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर पुल का निर्माण करना कठिन काम है। अमेजन नदी पर पुल बनाना कठिन काम है क्योंकि यहाँ की चौड़ाई, नदियों की चौड़ाई और गहराई ज़्यादा होती है। फ्रेंड्स, अमेजन नदी से की एक प्रमुख सहायक नदी है जो कि गुएना उच्च भूमि के पश्चिमी क्षेत्र से निकलती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर गुएना की एक उच्च भूमि है, इसके पश्चिमी क्षेत्र से एक नदी निकलती है जिसे हम नीग्रो नदी के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, ये नदी नीग्रो नदी के नाम से जानी जाती है। यही इसी नीग्रो नदी पर
विश्व के सबसे अंतरतम बंदरगाह यानी तटीय क्षेत्र से सबसे अंदर की बंदरगाह मनोस बंदरगाह स्थित है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मनोस बंदरगाह स्थित है जो कि निग्रो नदी के तट पर स्थित है, विश्व की सबसे अंतरतम बंदरगाहों में से गिना जाता है। फ्रेंड्स, हम लोग अमेजन नदी के कुछ इम्पॉर्टेंट रिवर्स जो कि अमेजन की सहायक नदियां हैं उसके बारे में जान लेते हैं। फ्रेंड्स, अमेजन की एक और इम्पॉर्टेंट सहायक नदी है जिसे हम फुतुमेयो के नाम से जानते हैं, फुतुमेयो नदी के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, यह फुतुमेयो नदी जो एंडीज पर्वतमाला की एक विशाल श्रृंखला है, यहाँ पर कोलंबिया में जो तीन प्रमुख शाखाएं थी, जो पहली शाखा है कार्डिलेरा डी कार्डिलेरा ओरिएंटल के नाम से जानी जाती है, कार्डिलेरा ओरिएंटल की जो पूर्वी शाखा है वहाँ से यह फुतुमेयो नदी निकलती है। फुतुमेयो नदी की सबसे खास बात यह है कि यह तीन देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करते हुए अमेजन बेसिन में बाई तरफ से मिलती है। वे तीन प्रमुख इंपॉर्टेंट देश हैं, इक्वेडोर, पेरू और कोलंबिया। फ्रेंड्स, फुतुमेयो नदी तीन प्रमुख देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हुए यह नदी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हुए जो है कि बाई तरफ से अमेजन बेसिन में भूमध्य रेखा को कट करते हुए मिल जाती हैं। वो तीन प्रमुख देश हैं इक्वेडोर, पेरू और कोलंबिया। फुतुमेयो ही ऐसी नदी है जो तीन देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है। फ्रेंड्स, हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट रिवर्स के बारे में देख लेते हैं जो कि बाई ओर तथा दाई ओर से आकर अमेजन बेसिन में मिल जाती है। फ्रेंड्स, अमेजन नदी के दाई ओर से मिलने वाली जो प्रमुख नदी है उसमें पहली नदी है जुजुआ। फ्रेंड्स, यह नदी पेरू में से निकलकर दाई ओर से अमेजन नदी में मिलती है। एक और नदी है जिसे हम मेडोरा के नाम से जानते हैं, फ्रेंड्स एक और इम्पॉर्टेंट नदी है जो कि मेडोरा से पहले निकलती है जिसे हम पोरुस के नाम से जानते हैं। यह पोरुस नदी मेडोरा से पहले निकलती है और दाई तरफ से अमेजन नदी में मिल जाती है। फ्रेंड्स, एक और इम्पॉर्टेंट नदी है जिसे हम मेडोरा या मदिरा के नाम से जानते हैं, मदिरा नदी। फ्रेंड्स, यह ऐसा कहा जाता है कि मदिरा नदी अमेजन की सबसे लंबी सहायक नदी है जिसकी लंबाई मदिरा है। फ्रेंड्स, यह मदिरा नदी है, मदिरा नदी जिसकी लंबाई लगभग 3200 किलोमीटर मानी गई है, 3200 किलोमीटर मानी गई है और यह लगभग पेरू से निकलकर बोलीविया तथा ब्राज़ील की सीमा पर एक मदिरा जलप्रपात का निर्माण करती है, और जलप्रपात का निर्माण करने के बाद दाई ओर से यह अमेजन बेसिन में मिल जाती है। मदिरा अमेजन बेसिन की सबसे लंबी सहायक नदी मानी जाती है जिसकी लंबाई 3200 किलोमीटर मानी जाती है। फ्रेंड्स, मदिरा नदी के पूर्वी हिस्से पे एक और इम्पॉर्टेंट नदी पाई जाती है जिसे हम तपाजोस नदी के नाम से जानते हैं, तपाजोस नदी के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, ये सभी नदियाँ मुख्य रूप से जो एंडीज पर्वतमाला की विशाल श्रृंखला है, यहाँ पर एंडीज पर्वतमाला की विशाल श्रृंखला है, इसके ऊंचे भागों से ही निकलती हैं। यहाँ पर जो मदिरा और तपाजोस पर्वत श्रेणी है वह बोलीविया और माटोग्रासो का जो पठार है वहाँ से उसकी छोटी छोटी शाखाएँ निकलती हैं, और मदिरा तथा तपाजोस जैसे
नदियों का निर्माण करती है। फ्रेंड्स, एक और इम्पॉर्टेंट नदी है जिंगू नदी। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट नदी है जिंगू नदी, जो कि अमेजन नदी में दाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। जिंगू नदी फ्रेंड्स, यह भी अमेजन नदी में मिलने वाली दक्षिण अमेरिका की एक इम्पॉर्टेंट नदियों में से एक है। फ्रेंड्स, यहाँ पर अमेजन नदी भूमध्य रेखा के पास एक विशाल चौड़े डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा का यहाँ पर एक निर्माण करती है। यहाँ पर एक विशाल डेल्टा का निर्माण कर रही है जिसकी चौड़ाई लगभग 60 किलोमीटर होती है। फ्रेंड्स, इसकी चौड़ाई ज़्यादा होने के कारण जो बड़े जहाज होते हैं वह इसके काफ़ी अंदर तक प्रवेश कर पाते हैं, और जो आंतरिक जल परिवहन होता है वह सुगम हो पाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक द्वीप पाया जाता है जिसे तपाजो के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, यह द्वीप यहाँ पर एक विभाजक का कार्य करता है जिससे अमेजन का बेसिन का मुहाना काफ़ी चौड़ा हो जाता है। और जिससे नदियाँ कई भागों में बट जाती हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग अन्य नदियों के बारे में देख लेते हैं। जो पहली इम्पॉर्टेंट नदी है उसका नाम है मेगा लेडीना। फ्रेंड्स, यह एक इम्पॉर्टेंट नदी है जो कि कोलंबिया में बहती हुई दक्षिण से उत्तर की ओर जाकर कैरिबियन सागर में गिरती है। यह इम्पॉर्टेंट नदी दक्षिण कोलंबिया के लगभग पश्चिमी हिस्से से निकलकर दक्षिण से उत्तर दिशा में जाकर कैरिबियन द्वीप में गिरती है। यह मेगालेडीना नदी कोलंबिया की सबसे लंबी नदियों में गिनी जाती है। फ्रेंड्स, एक और इम्पॉर्टेंट नदी की बात कर लेते हैं ओरिनिको नदी के बारे में। ओरिनिको नदी मुख्य रूप से वेनेजुएला के पूर्वी हिस्से में बहते हुए कैरिबियन द्वीप में एक विशाल डेल्टा का निर्माण करते हुए जो कैरिबियन द्वीप जो कि अटलांटिक महासागर का भाग है उसमें गिर जाती है। ओरिनिको नदी का उद्गम स्थल जो जो गुयाना की उच्च भूमि है, और यहाँ पर एक प्रमुख जो पर्वत है वह है सिएरा डी पराकाइमा। यह ओरिनिको नदी सिएरा डी पराकाइमा से निकलकर कैरेबियन द्वीप पे एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। फ्रेंड्स, इसी ओरिनिको नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात साल्टो एंजिल जलप्रपात इसी ओरिनिको नदी पर स्थित है जो कि वेनेजुएला में है। फ्रेंड्स, यहाँ साल्टो एंजिल जलप्रपात है और वेनेजुएला के लगभग मध्य पूर्वी हिस्से में, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। फ्रेंड्स, एक और इम्पॉर्टेंट नदी के बारे में देख लेते हैं कोलोराडो नदी के बारे में। फ्रेंड्स, वैसे कोलोराडो नामक नदी एक उत्तरी अमेरिका में भी बहती है, लेकिन दक्षिणी अमेरिका में लगभग अर्जेंटीना के मध्य भाग से होकर एक नदी निकलती है जो कि कोलोराडो नदी के नाम से जानी जाती है। यह कोलोराडो नदी चिली की जो राजधानी सैन डियागो है उसके दक्षिणी हिस्से से यह नदी निकलती है। इस नदी के एक प्रमुख सहायक नदी या मुख्य नदी कह सकते हैं, जिसे हम डेल सलाडो नदी कहते हैं, जो कि ओजस डेल सलाडो से निकलती है।
ओजस डेल सलाडो विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित जागृत ज्वालामुखी क्षेत्रों में से एक है। यहाँ से एक नदी निकलती है, डेल सलाडो नदी, जो कि अर्जेंटीना में कोलोराडो नदी से मिलती है और अटलांटिक महासागर में गिरती है। फ्रेंड्स, अटलांटिक महासागर में यह जिस स्थान पर गिरती है उसका नाम है वाहिया डी ब्लांका नामक स्थान पे यह कोलोराडो नदी आकर गिरती है। एक और इम्पॉर्टेंट नदी है जो कि ब्राज़ील के पूर्वी हिस्से में स्थित है, जिसे हम साओ फ्रांसिस्को नदी के नाम से जानते हैं। नदी ब्राज़ील के पूर्वी हिस्से में बहने वाली सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। इसकी लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर मानी गई है और इसका उद्गम स्थान यहाँ गोयास पर्वत तथा सियेरा डी मार पर्वत के छोटी छोटी शाखाओं से मिलकर बना है। ये शाखाएं मिलकर उत्तर दिशा की ओर बहती हैं और एक मुड़ान के साथ यह पूर्व दिशा में बहते हुए अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। इसके ऊपर एक विशाल जलप्रपात निर्मित है, जिसे हम साओ पाओलो अफांजो के नाम से जानते हैं। पाओलो अफांजो नामक एक जलप्रपात का निर्माण करती हुई यह अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। यहाँ पर साओलो अफांजो नामक जलप्रपात स्थित है। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न और सुझाव हम तक ज़रूर पहुँचाइए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।